हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5, फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर का। ऑलरेडी इसके 8 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं और 2-4 चैप्टर में ये ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या होते हैं पता है? पता होगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने डायूरेटिक्स को कवर किया हुआ है। क्या होते हैं, कितने प्रकार के उसके ड्रग्स होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। याद आया किसी को? ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर याद आ गया है। ठीक है, तो डायूरेटिक हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, उसके जनरल बातें पढ़ चुके हैं। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो सेम इफेक्ट हमको लाके देंगे। ठीक है ना, तो आओ देखते हैं हम लोग डायूरेटिक्स के बारे में समझते हैं क्या है डायूरेटिक्स। तो क्या कह रहा है ये? डायूरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट डायूरेसिस। पता है ना, डायूरेटिक अधिक पेशाब होना है ना। ऐसी कोई भी दवा जो हमारे यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे या यूरिन की मात्रा को बढ़ा दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। क्लियर है? ओके, क्या कह रहा है? अ डायूरेटिक टैबलेट इज समटाइम्स कोलोक्वियली, बोलचाल की भाषा में, कॉल्ड अ वाटर टैबलेट। ये वही 3-4 लाइनें जर्नल वाली हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मैंने बताई थी। नोट्स का तरीका पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं मैं, वहां से तुम लोग नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट क्या है? देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ डायूरेटिक्स। कई कैटेगरीज हैं। ऑल डायूरेटिक्स इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। सारे के सारे डायूरेटिक्स इंक्रीज करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब किसी वेस्ट चीज का बॉडी से बाहर होना। तो यहां पर जो पानी एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी में, उसको बाहर करता है ये फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी। किडनी के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? किडनी के थ्रू। बात समझ में आ रही है? वही 3 लाइनें हैं जो वहां थी। देयर एग्जिस्ट सेवरल क्लासेस ऑफ डायूरेटिक। कई सारी क्लास होती हैं इसकी, एंड ईच वर्क्स इन अ डिस्टिंक्ट वे। हर एक जो क्लास है वो अलग अलग तरीके, कुछ कुछ दवाएं, हर एक दवाई है जो अपने अलग अलग तरीके से काम करती हैं बॉडी को पानी से निकालने के लिए। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इसमें काफी सारी चीजें पढ़ी थी, लूप डायूरेटिक वगैरह है ना, इस तरह से कई सारी चीजें पढ़ी थी इसके अंदर। तो कह रहा है लास्ट पॉइंट, फर्दर डिटेल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर 8 डायूरेटिक्स। ठीक है ना, इसके बारे में और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए या तो चैप्टर नंबर 8 डायूरेटिक्स उसको देखें, अदरवाइज लिखने के पर्पज से वही सारी बातें यहां पे भी अगर एक्स्ट्रा लिखने को आता है तो लिख सकते हो। फिलहाल यहां पर एक्स्ट्रा लिखने को आएगा नहीं, एक्स्ट्रा लिखने को आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। क्लियर है? यहां पे हमारी 3 बातें रहती हैं, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टेंट और थेरेप्यूटिक एफिकेसी, यानी कि उसके मेडिसिनल यूज क्या क्या है। ओके, तो देखते हैं इसके अंदर पहला क्या है। पहला है गोखरू। जानते होंगे काफी सारे लोग गोखरू को। ठीक है ना, क्या है ये? गोखरू इज एन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मतलब एक साल के अंदर पैदा होके खत्म हो जाता है, मर जाता है। इन कैल्ट्रॉप फैमिली या जायगोफाइलेसी। कैल्ट्रॉप भी बोल देते हैं या जायगोफाइलेसी, दोनों नाम पता होना जरूरी है। कई बार अल्टरनेटिवली दोनों पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इट इज अडेप्टेड टू ग्रो इन ड्राई क्लाइमेट। सूखे क्लाइमेट, जहां ड्राई पानी कम होता है, उस क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड है। वहां पर इजिली क्या करता है, ये ग्रो कर लेता है। ठीक है, इन विच फ्यू अदर प्लांट्स कैन सर्वाइव। ड्राई क्लाइमेट लोकेशन, जहां पर कुछ ही दूसरे प्लांट भी क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। सिनोनिम की बात करें तो छोटा गोखरू हिंदी में, पलेरू तेलुगु में, पंक्चर वाइन गोट्स हेड है ना, बकरे के सर की तरह दिखाई पड़ता है ये। ठीक है, ये इस तरह पौधा देखा होगा, बहुत कॉमन है। ओके, आगे आते हैं। क्या कह रहा है? इसको देखो इस तरह से बीज है ना, इसका जो फल है इसको निकाल करके या पाउडर करके मार्केट में अवेलेबल है ये। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, अगर जिसकी बात करें बायोलॉजिकल सोर्स की, तो कह रहा है ड्राइड राइप फ्रूट, पका हुआ सूखा फल ऑफ ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस ऑफ फैमिली जायगोफाइलेसी। ठीक है ना, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रिस ऑफ फैमिली जायगोफाइलेसी। क्लियर है? केमिकल कंस्टेंट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कुछ ऐसे जो मिलते जुलते, ना मिले तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि यहां पे डायोजेनिन, क्लोरोजेनिन, हैकोजेनिन, ये जेनिन जेनिन वर्ड सब में आ रहा है, क्लोरो डायोस हैको है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो। जो सेपोजेनिन जो होते हैं उनमें तमाम तरह के सेपोजेनिन पाए जाते हैं। अदर स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या है, टेरेस्टीरोसाइड एफ, ट्राइब्यूलोसिन, ट्राइलिन, ग्रेसिलिन और डायोसिन के नाम से कुछ केमिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, थेरापेटिक एफिकेसी की बात करें, क्या क्या इससे हमको बेनिफिट मिलने वाले हैं,
तो कह रहा है गोक्रू कैन बी यूज फॉर बॉडी बिल्डिंग, कलर चेंज कर ले, बॉडी बिल्डिंग है ना, कुछ लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कैन बी यूज एज एफ्रोडाइसियक, एफ्रोडाइसियक मतलब एक तरह से कह सकते हो एक्साइटमेंट के लिए, उत्तेजना के लिए। गोक्रू ट्रीटेड ट्रीट्स स्किन एलमेंट, एलमेंट मतलब जो स्किन की बीमारियां होती हैं, स्किन एलमेंट मतलब स्किन की बीमारियां होती हैं। इंप्रूव ब्रेन फंक्शन, हमारे दिमाग के फंक्शन को इंप्रूव करता है, ठीक है। गोक्रू कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एंटी एजिंग एजेंट, है ना, अगर खाते रहोगे थोड़ा थोड़ा मात्रा में, अगर प्रिस्क्रिप्शन लेना है डॉक्टर के हिसाब से कितना लेना है कितना नहीं लेना है, तो ये एंटी एजिंग है ना, एज को भी हमारा क्या करता है बढ़ने से उतनी रफ्तार होती है उसको रोकता है थोड़ा सा हल्का सा। डायुरेटिक एक्टिविटीज के अंदर तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो डायुरेटिक तो होगा ही होगा। यूजफुल फॉर वुमेन सफरिंग फ्रॉम PCOS, है ना, वुमेन की काफी कॉमन प्रॉब्लम है PCOS। हेल्थ क्योर हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट के लिए भी है। ट्रीट प्रोस्टेट ग्लैंड डिसऑर्डर, तो देखो कैसे याद करोगे, थेरेप्यूटिक एफिकेसी में फॉर बॉडी बिल्डिंग, एफ्रोडाइसियक, स्किन प्रॉब्लम्स, ब्रेन फंक्शन, है ना, ये मेन मेन चीजें याद रखनी, ये नहीं पूरा पूरा है ना कि इंप्रूव ब्रेन फंक्शन रटने बैठ गए, मेन मेन डायुरेटिक है, PCOS है, हार्ट प्रॉब्लम है, ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, मैंने क्या कहा था लकीर का फकीर नहीं बन जाना कि बस जो लिखा रटते चले जाओ, मेन पकड़ना है, फिर तो अपनी खुद की भाषा में इसको क्या कर सकते हो, लिख ही सकते हो, स्किन एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर है, चले आगे। ओके नेक्स्ट है हमारे पास पुनर्नवा। पुनर्नवा काफी फेमस प्लांट है, काफी लोगों ने शायद देखा भी होगा, देखा ना कैसे जंगली पेड़ पौधे जो है जिनको हम लोग बेकार समझते थे वो सब किसी ना किसी तरीके से काम में आते हैं, ठीक है। तो आओ आगे देखते हैं पुनर्नवा क्या है, क्या पढ़ना है इसके बारे में हमको। तो कह रहा है पुनर्नवा इज ए स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर फूल आता है, क्या आता है इसके अंदर फूल, तो इसीलिए क्या है फ्लावरिंग प्लांट है। इन द फोर ओ क्लॉक फैमिली, फैमिली का नाम क्या है फोर ओ क्लॉक फैमिली, कौन सी फैमिली है फोर ओ क्लॉक, ठीक है ना। वैसे तो इसका जो साइंटिफिक नेम हुआ फैमिली का वो अलग है, लेकिन जैसे कैलट्रॉप था यहाँ पर क्या है फोर ओ क्लॉक है, ये भी तुम्हें याद होने चाहिए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज कॉल्ड पुनर्नवा विच मीन्स रिजुविनेट, रिजुविनेट मतलब रिन्यू द बॉडी इन आयुर्वेदा, जो हमारी बॉडी को नया कर दे, हमारी बॉडी जो उसको गुड फील कराए, एकदम नया नया सा महसूस करा दे, या हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी को कह सकते हैं न्यूनेस लेके आती है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स वगैरह डैमेज होते हैं उनको हटाता है, एक तरह से कह सकते हैं हमारी बॉडी को नया करने की कोशिश करता है ये ड्रग, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है पुनर्नवा, क्लियर। आगे बात बायोलॉजिकल रिसोर्स की बात करें, फ्रेश और ड्राइड, ताजे या सूखे हुए हर्ब ऑफ, ठीक है ना, बॉयर क्या पढ़ोगे इसके, बॉयर हैविया डिफ्यूजा, ठीक है ना, बॉयर हैविया डिफ्यूजा ऑफ फैमिली निक्टेजिनेसी, निक्टा बोल लो या निक्टे बोल लो जैसे याद रख सको, है ना, निक्टाजिनेसी या निक्टेजिनेसी, ठीक है, जैसे याद रख सको। केमिकल कंस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर एल्कोलाइड है, पुनर्नवीन, है ना, ये देखो पुनर्नवीन, याद करने के तरीके हैं ये इस तरीके से। अदर की बात करें तो एलॉइन टॉइन बी सीटो स्टीरोल पामीटिक एसिड ईस्टर ऑफ बी सीटो स्टीरोल, ठीक है, अरेकिडिक एसिड यूरोसिलिक एसिड बी एग्डाइसोन, ठीक है, ट्राई कॉन्टानॉल, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े से नेमिंग टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, लेकिन धीरे दो दो तीन तीन पहले याद करने, फिर बता रहा हूँ, मैंने हमेशा कहा पहले दो दो तीन तीन याद करने, फिर धीरे धीरे उसमें अगर ऐड कर सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज दो दो तीन तीन पकड़ के चलना है, ताकि दो से तीन तो भूलो ना अगर एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है तो, क्लियर है। ओके आगे देखते हैं थेरेप्यूटिक एफिकेसी, क्या क्या है इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी। गुड फॉर द लीवर, किसके लिए अच्छा है ये, लीवर के लिए अच्छा है। ओबेसिटी, मोटापे से लड़ता है, डायबिटीज से लड़ेगा, हार्ट फेलियर को रोकेगा, क्योर्स इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी होती है ना, है ना, स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे या कुछ और प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें भी काम करता है। इट इज रेमेडी फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं UTI, डायुरेटिक, इसके लिए तो पढ़ ही रहे हैं। इट इज गुड फॉर द आईज, आंखों के लिए भी अच्छा है, फॉर अर्थराइटिस, है ना, अर्थराइटिस पढ़ चुके हैं, याद है क्या होता है अर्थराइटिस, जॉइंट के जो पेन वगैरह रहते हैं। इट हेल्प्स विद स्टमक डिसऑर्डर, अगर पेट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ये हमारी क्या करता है, मदद करता है। क्लियर हुई बातें, ठीक है। तो ये दो ड्रग्स हमारे कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम लोग नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें फर्दर देखेंगे कौन से दो टॉपिक हैं। तो क्या करना है, हमेशा की तरह पढ़ लेना है,
अगर टैबलेट करना चाहो या जो मेन मेन चीजें हैं उनको, तीन चीजें मैंने बताई, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टेंट और थेरेपेटिक एफिकेसी, इनको मेन फोकस करके चलना है। पहले अगर ये तीन याद हो जाए, केमिकल कंस्टेंट में दो दो तीन तीन पहले याद करने जो खास खास है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर याद होते चले जाए तो उसमें एक एक दो दो अपना ऐड कर सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लिख करके याद करना है थोड़ा सा, और जो चीज़ सुबह पढ़ो एक बार उसे रिवाइज शाम को जरूर करो, और जो शाम को एक बार रिवाइज कर लिया उसको दो दिन बाद वापस से रिवाइज जरूर करो, यानी कि सीधी सी बात है रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। क्लियर है? तो पढ़ोगे, गुड, ऑल द बेस्ट।